तो पढ़ाई मैनिफेस्ट जब आप करते हो, मतलब अच्छे स्कोर मैनिफेस्ट करते हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोड़ने के लिए आप मैनिफेस्ट करने बैठे हो, तो आपको एक चीज़ सबसे पहले समझनी पड़ेगी, और कड़े शब्दों में पहले समझ लो मेरी बात, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ाना। देखो, सबसे पहले मेहनत है। क्या है बेटा? मेहनत। मेहनत करो। अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, और पढ़ाई नहीं करने के बाद मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भरोसा पकड़ के बैठ जाऊं, या मेरे या किसी के भी वीडियो पकड़ के बैठ जाऊं कि मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा, नहीं होने वाले भैया, बिल्कुल नहीं होने वाले। यानी कि सबसे पहली चीज़ है, सारी टेक्निक, सारे वीडियोस बाद में, पहले पढ़ाई। ऐसे बच्चे मेरा वीडियो बिल्कुल ना देखें कि जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई लेन देन नहीं है, एग्ज़ाम बची है 1-2 महीने बाद। क्योंकि देखिए, इंस्टाग्राम पे मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स भी देखी हैं, हेल्पलाइन पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो डायरेक्टली ये बात करते हैं कि सर, 1 ही महीना बचा है एग्ज़ाम में और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, मेरा मन नहीं लग रहा, तो कुछ ऐसा मंत्र बता दो जिस मंत्र से ये मैनिफेस्ट हो जाए, ये एग्ज़ाम निकल जाए या मार्क्स मिल जाए। तो भैया ये चीज़ नहीं है। आप थोड़े कड़े शब्द हैं, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो, यूट्यूब कम देखो। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए, जो जेन्यूनली अपने माता पिता का लगाया हुआ पैसा, जिन्हें टेंशन है कि वो पैसा लगा है, मेरा समय लगा है, मुझे कुछ करना है जीवन में, और किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और गर्दे उड़ाते हैं। मैं आपको जो आज सिखाने वाला हूँ, वो मात्र रात की प्रैक्टिस है। रात को सोने से पहले आप मुझे आपके 15 मिनट दे दो भाई साहब, वो 15 मिनट से सीरियसली अंदर ऐसा झोल होगा आपके सबकॉन्शियस में कि आगे का रास्ता जो आज से पहले उलझा हुआ लग रहा था, जो ये एग्ज़ाम अतिशय भारी लग रही थी, वो हल्की हो जाएगी। ये जवाबदारी मैं लेता हूँ आपके गुरु के नाते। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, रात को सोने से पहले ही एक टेक्निक बता रहा हूँ, वो टेक्निक इस्तेमाल करनी है। और वो टेक्निक, वो दरअसल टेक्निक नहीं है, वो सोचने का तरीका है। क्योंकि देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई टेक्निक से कोई यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेगा, पर एक माइंडसेट से वो ज़रूर क्रैक कर लेगा। मैंने आपके लिए ऐसा मेडिटेशन तैयार किया है, लिटरली ऐसा मेडिटेशन तैयार किया है कि जो आपका माइंड पूरा बदल देगा, आपका माइंडसेट पूरा बदल देगा। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद एक मेडिटेशन शुरू होगा। ये मेडिटेशन आपको आने वाले 30 दिन, 60 दिन छोड़ दीजिए, जिस दिन आपको ये वीडियो मिली, जिस दिन आपने मुझे सुना, उस दिन से लेके जब तक आपकी वो एग्ज़ाम नहीं हो जाती, तब तक, चाहे वो 1 साल बाद हो, 90 दिन बाद हो, 30 दिन बाद हो या 60 दिन बाद हो, सुनना है, हर रात को सुनना है। आपके लिए बड़ी मेहनत की है बच्चे। तो आपके लिए एक गाइडेड मेडिटेशन तैयार किया है मैंने, सबलिमिनल मैसेजेस के साथ। सबलिमिनल मैसेजेस क्या होते हैं, आपको नहीं सुनाई देंगे, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ भी आपके न्यूरो ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, वो जहाँ से सिग्नल दे रहे हैं, वो मैसेजेस सीधे वहाँ जाके हिट करेंगे। और वो मैसेजेस क्या हैं, अफर्मेशंस के रूप में हैं। एक स्टूडेंट के लिए क्या मैसेजेस होने चाहिए, वो पूरी मैंने रिसर्च 2 साल से तैयार की थी, और वही ये वीडियो में मैंने उतार के आपके लिए लाया हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, रात के समय 15 मिनट, 20 मिनट सोने से पहले 2-3 गहरी गहरी सांसें लेनी है, जिससे आप थोड़े शांत हो जाओ, और फिर ये वीडियो अब शुरू हो जाएगा, जो मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन आपको सुनना है। दैट्स इट। मैं कमेंट में बैठा हूँ इंतज़ार करने के लिए, बड़े मन से मैंने वीडियो बनाई आपके लिए। तो मेरे सारे स्टूडेंट्स जब पहली रात इसे सुने, प्लीज़ कमेंट में आके लिख के ज़रूर जाना, क्या इमोशंस कनेक्ट हुए, क्या मज़ा आया, क्या दिख रहा है गोल, क्या मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर दिख रहा है ना, थोको टाली। चलो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो पढ़ाई करो और गर्दे उड़ाओ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। और हाँ, मेडिटेशन आ रहा है, इसे सुनना भी है। तो क्या करना, एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ तक तो आज सुन लिया, जैसे अगर पहला दिन है, उसके बाद ये वीडियो यहाँ से स्किप कर देना और आगे कंटिन्यू करके सुनते जाना। हर दिन ये चीज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेट होना हो तो सुन लेना। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बशर्ते आपको बिलीव होना चाहिए अपने आप पर, अपने गोल पर, और इस अफर्मेशन पर कि यस, I can manifest whatever I want, whenever I want। आप अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो को बिना एक भी रात स्किप किए आने वाले 30 दिनों तक आपको सुनना है। क्योंकि इस गाइडेड हिप्नोसिस में जो सबलिमिनल मैसेजेस हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में पॉजिटिव बिलीव भरेंगे और आपके गोल को मैनिफेस्ट करने में मदद करेंगे। ये प्रूवन बात है कि कोई भी चीज़ को 21 दिन तक बिना एक भी दिन स्किप किए
किया जाए तो वो आपकी आदत बन जाती है और आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगती है, या आसान शब्दों में कहें लाइफ में मिरेकल्स मैनिफेस्ट होने लगते हैं। दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग इसे कर नहीं पाते, अपने आप को सिर्फ 21 दिनों के लिए भी डिसिप्लिन में नहीं रख पाते। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ और ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, अगर आपने ये वीडियो बिना एक भी रात स्किप किए सुना। मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए मेरे साथ, इनहेल एंड नाउ एक्सहेल। अब जब आप अगली बार गहरी सांस लेंगे तो सांस लेते लेते अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को कस के बांध लीजिए, यानी कि बंद कर दीजिए। सो टेक अ डीप ब्रेथ नाउ। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे मुट्ठियों को भी छोड़ दीजिए। वेरी गुड। अब आप पहले से बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो मार्क्स आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो चुके हैं? क्या आपका रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर रहे हो? कहां से आपको ये बात पता चलेगी कि आप उतने मार्क्स मैनिफेस्ट कर चुके हो जो आप करना चाहते हो? क्या आपका ये रिजल्ट आप मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो? सोचिए। अब जब आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे और वो हो चुका है मैनिफेस्ट, तो आपके लाइफ में क्या असर हो रही है? सोचिए, वो पहला इंसान कौन होगा जिसे आप बता रहे हो कि मैंने फाइनली मैनिफेस्ट कर ही लिया जो मैं करना चाहता था? मैं चाहता हूं कि आप अपने पापा और मम्मी का चेहरा देखने की कोशिश करें। क्या वो खुश हैं? क्या वो खुश हैं आपके रिजल्ट से? क्या वो आप पर प्राउड फील कर रहे हैं? आप उनसे क्या बातें कर रहे हैं? क्या आपके आसपास सब लोग खुश हैं? वो कौन कौन होगा जिसे गर्व होगा आप पे जब आप ये अच्छे मार्क्स मैनिफेस्ट कर लोगे? आप उनसे क्या बातें कर रहे हो? क्या आप खुश हैं? क्या आप इस खुशी को महसूस कर सकते हैं? आपकी ये प्योर वाइब्रेशंस अब सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मैनिफेस्ट कैसे होगा, क्योंकि आप एक लिमिटलेस बीइंग हैं एंड देयर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज जो आपका मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में ला रही हैं। अब आप सो जाइए,
Thank you.
हूँ।